हैव शायद एक सुपरिटेंडेंट का शाना वेलफेयर हूँ। आज मेरी पाकिस्तानी आवाम, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से आखिरी अपील है। मैं एक बाइज्जत घराने की बाइज्जत औरत सरकारी मुलाजिम हूँ। मुझे 3 दिन से हवालात में बंद किया हुआ है। रात को चंद घंटे के लिए छोड़ा, आज अदालत में मेरी जमानत मंसूख कर दी गई। 1 साल कबल मुझ पर खुफिया FIR दर्ज की गई मेरा घर चलाने के जुर्म में। मैं 1 साल बाद कोर्ट गई कि मेरे घर को आग लगाई गई है, मुकदमा दर्ज किया जाए, तो पुलिस 1 साल कबल मुझ पर खुफिया FIR दर्ज की हुई अदालत में ले आई। अदालत ने मेरी दरख्वास्त पर क्रॉस मोशन के ऑर्डर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार, राजा बिशारत, अजमल चीमा और दीगर अफसरान के ख़िलाफ़ किए। ये लोग मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं कि मैं इस मुकदमे की पैरवी से बाज आ जाऊँ। यतीम बच्चियों के जिनसी कारोबार कायनात के कत्ल पर मैं आवाज़ उठा रही हूँ, मुसलसल सड़कों पर लड़ रही हूँ अपनी जान हथेली पर रखकर। अब शायद ये की जिम्मेदारी नहीं बच्चियों के लिए आवाज़ उठाना, लड़ना। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर बहुत आवाज़ उठाई, बहुत लड़ी सड़कों पर। तशद्दुद का निशाना मेरी अपने बच्चों की जानों को दाम।